हेलो दोस्तों, नमस्कार। देचू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान मौसम के। ना 23 दिसंबर को राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा और अगले 30 दिसंबर तक भी राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, तो राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिम क्षेत्रों की बात की जाए, तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यानी 23 और 24 दिसंबर तक देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 25 दिसंबर की शाम से समय से देखा जाए तो राजस्थान के जो गंगानगर है, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो शाम के समय 25 दिसंबर को शाम के समय से कुछ क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। जब तक देखा जाए तो राजस्थान का मौसम शुष्क बना रहेगा। जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ सभी क्षेत्रों में पाली है। इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा और इसका तापमान दिन का तापमान अधिकतम तापमान रहेगा 20 से 25 डिग्री तक तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान है जो कि 12 से 13 डिग्री तक बना रहेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ जो कि लगभग 25 से 26 दिसंबर तक देखा जाए तो इन जिलों में बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम इलाकों की, तो इन क्षेत्रों की बात की जाए तो ये मौसम भी लगभग शुष्क रहेगी। बारा, कोटा, बूंदी, झालवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल ना के बराबर है। अगर सिरों की बात करें, सिरों के अधिकतम तापमान है जो कि लगभग 17 से 18 डिग्री तक बना रहेगा और न्यूनतम तापमान है जो कि 8 से 9 डिग्री तक, यानी रात का तापमान 5 डिग्री तक रहने की संभावना है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोहरे की संभावना देखा जाए तो कोहरा लगभग अब राजस्थान में है जो कि 15 जनवरी तक देखा जाए तो राजस्थान में है जो कि कोहरा बहुत कम रहने की संभावना है। 15 जनवरी के बाद में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, लेकिन 26 दिसंबर को सुबह के समय देखा जाए तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र पर हल्के कोहरे रहने की संभावना है। जो जयपुर है, दौसा है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए तो कोहरा देखने को मिल सकता है। जब तक देखा जाए तो राजस्थान में कोहरे की संभावना बहुत कम रहने की संभावना है। तो ये भी जिला लगभग शुष्क रहेगा। जो भीलवाड़ा है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालवाड़ा, कोटा, बारा, बूंदी सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क और साफ रहेगा। किसी प्रकार की बारिश की गतिविधि है जो कि 25 दिसंबर 26 दिसंबर तक देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो राजस्थान का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दूसरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग 25 से 26 दिसंबर तक साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। किसी प्रकार की बारिश की गतिविधि है जो कि नहीं देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में देखा जाए सीकर है, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र जिले की दिल्ली की सीमा ही लगती है, उन क्षेत्रों में देखा जाए थोड़ा सा तापमान, रात का तापमान है जो 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। जो दिल्ली है और झुंझुनू है, अलवर है, भरतपुर है, सीकर के आसपास क्षेत्रों में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान है, अधिकतम 15 से 16 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के कुछ क्षेत्र पर काफ़ी जगह पर बर्फबारी तेज हो रही है। उस तापमान की बात कर लेते तो पंजाब का, हरियाणा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के बाद तापमान है जो कि लगभग काफ़ी कमजोर है। कि रात का तापमान हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हिमाचल का तापमान है जो कि लगभग माइनस के आसपास रहने की संभावना है। रात का तापमान, न्यूनतम तापमान हिमाचल का 2 डिग्री तक रहने की संभावना है। और श्रीनगर है, लद्दाख का तापमान न्यूनतम तापमान माइनस में 10 से 8 से 9 या 10 डिग्री तक माइनस में चल रहेगा। और देहरादून है, उत्तराखंड का तापमान है जो कि लगभग न्यूनतम तापमान है जो कि 8-9 डिग्री अधिकतम, और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक रहेगा। दिल्ली का तापमान है जो कि 4 डिग्री के आसपास रहता है और अधिकतम यानी 20 डिग्री तक रहेगा। और उत्तर प्रदेश का ही ऐसा ही हाल बना रहेगा। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का तापमान अधिकतम तापमान है जो कि 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री तक रहने की संभावना है। और गुजरात का तापमान अधिकतम है जो कि 25 से 26 और न्यूनतम तापमान 17-18 डिग्री तक रहेगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री तक बना रहेगा। तो आज के मौसम समाचार इतना ही। जय हिंद, जय भारत।